हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपने PT365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे, तो चलिए इसको मैं कंटिन्यू करते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अभी क्या है, इंडिया पूरी तरह से बैन कर रहा है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे, ताकि हम पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सकें। अब जरा पढ़ लेते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक है क्या। देखो, ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक होती है जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक पैकेजिंग में, और इसमें कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसे या तो फेंक देते हैं और ये रिसाइकिल भी नहीं होती। ठीक है, देखा जाए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है इंडिया में, और ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। इंडिया क्या है, प्रोसेस में है कि इसको एक स्टैचुअरी स्टेटस दे दे या स्टैचुअरी डेफिनेशन दे दे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं जो कि हम 2016 में लेके आए थे, हमने हाउएवर उसको 2018 में अमेंड भी किया था। इन्होंने क्या किया था, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स को डिफाइन किया कि 50 माइक्रोन होनी चाहिए। ठीक है, दिस वुड, इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक की कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी और लोग क्या करेंगे, इसको खरीदना कम पसंद करेंगे। लोकल बॉडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई उन्होंने बोला कि क्योंकि अब क्या है, जो सिंगल प्लास्टिक का जो यूज़ है वो रूरल एरियाज तक भी पहुंच चुका है, इसलिए क्या है, लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको क्या लेके आए हैं, परव्यू में लेके आए कि ग्राम सभा को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप कुछ इंप्लीमेंट करो ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उनका यूज़ कम हो सके। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें जो मेनली जो प्लास्टिक जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं या उनके ब्रांड ओनर्स होते हैं, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कि आप अपना वेस्ट खुद कलेक्ट करो और उन्हें प्रोसेस करो। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर वेंडर, जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है उन्हें रिकॉर्ड रखने को कहा है कि अगर आप कोई भी वेंडर्स को बेच रहे हो जिनको आपने रॉ मटेरियल सप्लाई किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपको क्या है उनकी लिस्ट पूरी रखनी होगी। ठीक है, दिस इज टू, ये हमने इसलिए रखा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेनली जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम उनको कर्ब कर सकें। ठीक है, या फिर जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, उसे हम कर्ब कर सकें। हमने क्या किया, वेस्ट जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई, जो भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट के, उन्हें क्या करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा और उस वेस्ट को स्टोर करना होगा एज़ पर देयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एंड फिर उसको क्या करना होगा, हैंड ओवर करना होगा टू ऑथराइज्ड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी। सेग्रीगेट मतलब होता है कि अलग अलग करना, जैसे गीला कूड़ा अलग हो गया, सूखा कूड़ा अलग हो गया, इस तरह से क्या कर सेग्रीगेट करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स एंड रिटेलर, ये बोला कि कोई भी जो कैरी बैग से या प्लास्टिक बैग है आपको नहीं प्रोवाइड करना स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, और नहीं तो उन पर फाइन लगेगा। ठीक है, जो सिर्फ रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स हैं वो भी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट करी है, वही क्या उन्हीं को अलाउड है कि वो प्लास्टिक कैरी बैग्स मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ को प्रमोट किया कि आप रोड कंस्ट्रक्शन एनर्जी रिकवरी में यूज़ कर सकते हो। एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें क्या है, आप जो भी प्रोड्यूसर ये मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक या इम्पोर्टर या जो ओनर है, उसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा किसके साथ, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन स्कीम के साथ। ठीक है, हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं कि जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है उसे भी फेस आउट कर सके। कौन सी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जो कि ना ही नॉन रिसाइक्लेबल है और ना ही वो एनर्जी में रिकवर होती है और कोई भी उसका अल्टरनेटिव यूज़ है नहीं है, तो उस मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को भी हमने क्या करना है, फेस आउट करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, नेशनल मैराइन लिटर पॉलिसी में देखो यही है कि भी जो प्लास्टिक वेस्ट जो मेनली कोस्टल वाटर या ओशन में चला जाता है, मैराइन लाइफ को हानि पहुंचाता है, उस हमें उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो लीटर कहाँ से आ रहा है। इंडिया का एम है कि किस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक से हमें मुक्ति पानी है 2022 तक। देखा भी रखा कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक, दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी बता रखे, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन, ठीक है, PVC, HDPE, PET, देखो ये सब कुछ बता रखे। ठीक है, अब ग्लोबली क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये तो हमने देख लिया कि हमने इंडिया में क्या स्टेप लिए हुए, ग्लोबली हमने क्या स्टेप किए हुए। UNEP ने डिक्लेयर किया है थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 पे कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, G20 ने भी फ्रेमवर्क बनाया था कि किस तरह से जो मैराइन प्लास्टिक लिटर है हम उस पर एक्शन ले सकें, जिसका एम यही था कि ताकि जो मैराइन वेस्ट है हम उसे एलिमिनेट कर सकें ऑन अ वॉलंटरी पे। UN एनवायरनमेंट ने फिर लॉन्च किया था क्लीन सी कैंपेन, इसमें भी है कि हमें जो मेजर सोर्स है मैराइन लिटर का उसे एलिमिनेट करना है, या फिर जो कॉस्मेटिक्स में माइक्रो प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर जो वेस्टफुल यूसेज है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, उसे 2022 तक क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फिर एक होनोलुलु स्ट्रेटेजी आएगा, इस स्ट्रेटेजी का क्या है, ये फ्रेमवर्क है किसका, कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसमें क्या है, जो मैराइन डेब्रिस की वजह से जो इकोलॉजिकल ह्यूमन हेल्थ है, जो इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे हमें रिड्यूस करना है। ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव के अंदर क्या है, हमें सपोर्ट करना है, स्केल अप एक्शन लेना बाय टूरिज्म स्टेक होल्डर, हमें मतलब कि इस तरह का कैंपेन बनाना है ताकि हम जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे फाइट कर सकें। ठीक है, ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम ऑफ द वन प्लैनेट नेटवर्क लेड बाय द UNEP एंड द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन कोलेबोरेशन विद द एलन मैकुर्थर फाउंडेशन। ठीक है, तब कोई पता होना चाहिए जो ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है। ठीक है, वन प्लैनेट नेटवर्क के साथ किसके साथ द्वारा लेड किया गया है, UNEP वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में कौन कोलैब कर रहा है, एलन मैकुर्थर फाउंडेशन। ठीक है, साथ में कुछ बेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन भी है। अब जरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो बेड्स क्या होते हैं, ये प्लास्टिक पीसेस होते हैं, फाइबर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनका साइज लेस देन 1 मिलीमीटर होते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में एंटर कर देते हैं या फिर एक्यूमुलेट भी हो जाते हैं जब भी
एज कैरियर्स फॉर अदर माइक्रोटेनर, ये कार्सिनोजिक केमिकल कंपाउंड होते हैं, मतलब कि इससे क्या आपको कैंसर होने के चांसेस हैं अगर ये एक बार फूड चेन में एंटर कर जाए, ठीक है। जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं मेनली काफ़ी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक क्लोथिंग में भी होते हैं, टू प्लास्टिक बैग्स एंड बोटल, इन सब में क्या माइक्रो प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिक प्लस कई न्यू काइंड ऑफ पोल्यूशन है, रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि जो हमारी रॉक फॉर्मेशन है ना उसमें कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक की थिन कोटिंग जम गई है जो रॉक्स पे ग्रो हो रही है, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, प्लास्टिक क्रस्ट बोला। अब एनालिसिस ऑफ दिस क्रस्ट इंडिकेट दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीथाइलिन, ये पॉलीथाइलिन मतलब कि इसके अंदर है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्लास्टिक ऑफन फाउंड इन फूड एंड द प्रोडक्ट पैकेजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक, गाइस ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अभी कौन से स्टेट में पहला ई वेस्ट क्लिनिक खुला, तो आपको पता होना चाहिए। अभी ये रिसेंटली जो भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जो CPCB हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने एग्रीमेंट साइन किया कि पहला कंट्री का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोलेंगे कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। ई क्लिनिक मतलब कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको क्या करना है, आपको डिपॉजिट करना है वहाँ पे, सीधी बात यही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेग्रीगेट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और वेस्ट का डिस्पोजल करेंगे हर जगह से, हाउस होल्ड से भी और कमर्शियल यूनिट से भी। ये क्लिनिक क्या अभी 3 मंथ पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब छोटे स्केल पे कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल हो गया फिर हमें क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट को थ्रू आउट द कंट्री हम शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होगा हम इसको डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप खुद क्या कर सकते हो वहाँ पे क्लिनिक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हो और उसके बदले आपको फीस भी मिलेगी कि अगर आपने इतना वेस्ट दिया है तो वो आपको कुछ पैसे भी देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये कि आप जिम्मेदार नागरिक बन रहे हो, ठीक है। CPCB ने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा है, ठीक है। क्लिनिक जो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो किसके रूल्स के अंडर हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंडर हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या, वैसे आपको पता ही होगा, जो भी डिस्कार्टेड या जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से जब एंड ऑफ लाइफ हो जाती है, मेनली जो कंप्यूटर या इक्विपमेंट जो भी यूज होते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में या होम अप्लायंसेस में या ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स में, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। हजार्ड्स क्या है, देखो हजार्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इसमें होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा उसमें लेड होता है, लेड क्या होता है प्रेमली हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, मेनली कैथोड रे ट्यूब्स में, जैसे CRT में या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में क्या होता है यूज होता है। कैडमियम क्या होता है, मेनली मॉनिटर या जो CRTs PCBs कंप्यूटर बैटरीज मेटल एनक्लोजर इन सब में क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। मर्करी क्या होता है, ये भी स्विचेस और फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स भी में भी पाया जाता है और साथ में CFL और रिलेज में भी पाया जाता है। पॉलीक्लोरीनेटेड पाइफिनाइल्स क्या होता है, ये भी कैपेसिटर्स और ट्रांसफॉर्म्स में पाया जाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट होता है, ये भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होता है, प्लास्टिक केसिंग जो भी केबल और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, केबल शीटिंग और इंसुलेशन, मतलब कि ये भी जो इलेक्ट्रॉनिक से कुछ पार्ट्स हैं उसमें पाया जाता है। तो हमने देख लिया कितने कितने जो हैवी मेटल्स हैं, लेड, ठीक है, कैडमियम, मर्करी, ठीक है, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ये क्या है, ये हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अब इंडिया में ही देख लेते हैं क्या स्टेटस है, इंडिया क्या करता है, एनुअली 2 मिलियन टन क्या है प्रोड्यूस करता है ई वेस्ट, और रैंक इसका 5th रैंक है आफ्टर US, चाइना, जापान और जर्मनी। सेंटर ने कुछ ई वेस्ट रूल्स भी लेके आया था जिससे हम क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उन्हें खुद बता सकें कि यार आप जो आपका जो ई वेस्ट है आप उसको खुद को सेल कर सको, टू कलेक्ट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देम। अभी जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो हम 2016 में लेके आए थे वो हर एक स्टेक होल्डर पे एप्लीकेबल है, एज द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर, डिसमेंटलर्स, रिसाइकलर्स, डीलर्स, मैनुफैक्चर। ये क्या करता है, कलेक्शन मैकेनिज्म बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है जिसमें क्या है, कलेक्शन सेंटर्स इंक्लूड है, कलेक्शन पॉइंट इंक्लूड है, टेक बैक सिस्टम इंक्लूड है, ताकि आप क्या कर सको, मतलब कि आप कलेक्ट कर सको ई वेस्ट को बाय प्रोड्यूसर्स अंडर द EPR, ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या करे, वो खुद ही वेस्ट को कलेक्ट करे, ठीक है, उसी की ड्यूटी है कि वो डिस्पोज करे, ठीक है। इसमें हम इट कवर्ड इवन कंपोनेंट्स या जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के वो भी इंक्लूड है, जैसे मर्करी कंटेनिंग लैंप्स, जैसे CFL, ठीक है, जो वो सब इंक्लूडेड है। इसमें क्या, इट हैज़ इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम चार्ज बाय द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें हमने इंट्रोड्यूस भी किया हुआ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइजेशन बाय CPCB रिप्लेसिंग द स्टेट वाइज EPR ऑथराइज। फिर क्या, ये ई वेस्ट को रूल्स को जो हमने 2018 में अमेंड भी किया था, इसमें हमने क्या किया, जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर है उसे फॉर्मलाइज किया, उसमें क्या किया हमने, ई वेस्ट जनरेटेड टू ऑथराइज डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स को भी क्या करा, चैनलाइज करा। इसमें कुछ हमने टारगेट सेट किया कि हाँ यार हर अभी हमें क्या करना है, जो भी हम वेस्ट जनरेट करते हैं उसमें से 10% हमें कलेक्ट करना है, और 2023 तक क्या करना है, हर साल हमें क्या करना है 10% और इंक्रीज करना है वेस्ट कलेक्शन में, और उसके बाद 2023 के बाद हम क्या करेंगे 70% अपना टारगेट रखेंगे, जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसकी क्वांटिटी को हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है, अंडर EPR प्लान, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने क्या करा, सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट रखे हैं, उन्हें ड्राफ्ट किया गया है फॉर न्यू प्रोड्यूसर, मतलब जो नए प्रोड्यूसर हैं जो अभी नए, ठीक है, उनके लिए अलग रूल्स रखे हैं, दैट इज द दोज प्रोड्यूसर्स हुज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सेल्स ऑपरेशन इज लेस देन द एवरेज लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट।
एक रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस है, इसके अंडर किया है जो भी कॉस्ट होगी सैम्पलिंग की, टेस्टिंग की, वो गवर्नमेंट खुद ही भुगते की अगर वो ये टेस्ट कर रही है कि अगर वो देख रही है रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट अगर कोई भी कंप्लाई नहीं कर रहा है इस प्रोविज़न के साथ जो कॉस्ट है, तो वो प्रोड्यूसर को क्या करनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन शैल अप्लाई टू द CPCB फॉर रजिस्ट्रेशन टू अंडरटेक एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब इन द रूल, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपको पता होना चाहिए स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है ये, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974 के अंडर है। बाकी जो इतनी पावर और फंक्शन है वो किसके किससे लेता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981 से लेता है। टेक्निकल सर्विसेज ये किसको प्रोवाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ EPA एक्ट 1987, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेशली CPCB के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते 2019 पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स, अभी की एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है 2019 पोल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस, ये किसने रिलीज करी है, ग्लोबल एलियंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन इसने रिलीज करी है। अब जरा ये देख लेते हैं ग्लोबल एलियंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन है क्या, ये कोलैबोरेटिव बॉडी है जो कि 60 मेंबर्स हैं, इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व एंड एडवोकेट फॉर रिसोर्सेज एंड सॉल्यूशन टू पोल्यूशन प्रॉब्लम, जो भी पोल्यूशन प्रॉब्लम हो रही है उसका रिसोर्स पता करते हैं, उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 2012 में प्योर अर्थ ने क्या इस एलियंस को इनिशिएट करा था, साथ में कुछ प्रेमिनेंट मेंबर्स भी थे जैसे वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP, UNIDO, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन कमीशन, और साथ में 25 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज भी थी या फिर जो नॉन प्रॉफिट एजेंसीज भी थी, वो इन सब में कोलैबोरेट किया था किस तरह से हम जो पोल्यूशन है उसे एड्रेस कर सके, या जो भी इस पे हेल्थ पे फर्क पड़ता है ह्यूमन के या फिर एक्वेटिक या एनवायरमेंट, उन्हें हम क्या कर सके एड्रेस कर सके। क्या हाइलाइट्स क्या रिपोर्ट की तरह देख लेते हैं, पोल्यूशन के लार्जेस्ट एनवायरनमेंट थ्रेट है हेल्थ में। 2017 में पोल्यूशन की वजह से 15% डेथ्स हुई हैं ग्लोबली में, और 275 मिलियन डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स वो होते हैं कि जो आपका ओवरऑल डिजीज़ बर्डन है, मतलब कि अगर आपकी लाइफ 80 साल है लेकिन एक डिजीज़ की वजह से आपकी लाइफ 60 साल रहेगी, ठीक है, तो ये क्या होता है डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर होते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ द ओवरऑल डिजीज़ बर्डन एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ ईयर्स लॉस ड्यू टू द इल हेल्थ डिसेबिलिटी और द अर्ली, मतलब कोई इल हेल्थ या डिसेबिलिटी की वजह से जो आपकी जीने की लाइफ उम्र थी वो क्या है कम हो गई, ठीक है, उससे को क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। रिपोर्ट ने 3 लिस्ट इंक्लूड करी है पोल्यूशन इंक्लूडेड में, और इंडिया क्या है हर एक तीनों लिस्ट में टॉप 10 में उसने अपनी जगह बनाई है, ठीक है। एनुअल प्रीमैच्योर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स में इंडिया का रैंक हाईएस्ट, मतलब कि इंडिया का रैंक फर्स्ट है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं पोल्यूशन की वजह से प्रीमैच्योर, मतलब कि जो अगर आपकी लाइफ 80 है तो उससे पहले आपकी डेथ हो रही है, 2.3 मिलियन डेथ हो रही है इंडिया में, फॉलोड बाय चाइना में 1.8 मिलियन डेथ हो रही है। और अगर एनुअल प्रीमैच्योर एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ है तो इंडिया का रैंक सेकंड है जिसमें 1.24 हमारी मिलियन डेथ होती है, वो जो कि चाइना रैंक वन है जिसमें 1.243 मिलियन डेथ होती है। अगर पोल्यूशन डेथ्स पर 1 लाख पीपल, मतलब 1 लाख लोगों में देखा है पोल्यूशन की वजह से कितनी डेथ होती है, तो इंडिया का रैंक उसमें 10th है। इंडिया में 1 लाख में 174 डेथ्स होती हैं किससे, पोल्यूशन की वजह से। तो हमने देख लिया किस तरह से तीनों इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना अच्छा है, ठीक है। तो अगले बढ़ते हैं हम बायोडाइवर्सिटी, अभी क्या है ओल्ड इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2018, वैसे हम ये 2019 का भी पढ़ चुके हैं, हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था। चलिए पढ़ते हैं अभी 4 ईयर जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट था, स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर प्रे इन देयर हैबिटेट 2018, उसमें हमने देखा कि इंडिया में टाइगर का क्या अकाउंट है, वो राइज हुआ 2967 हो गया, 2014 में कितना था 2226 था, ठीक है, 33% राइज हुआ है जो कि हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है बिटवीन 2014 से 2018 के बीच में, और 20% हमारा 21% बढ़ा है बिटवीन 2006 से 2010 के बीच में, और 2010 से 2014 के बीच में 30% बढ़ा, ठीक है। सेंसस किसके द्वारा करा गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, साथ में उसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और साथ में कोलैबोरेट किसके साथ किया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया वो एक इंप्लीमेंटेशन पार्टनर था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेंसस किसने किया, NTCA ने किया, साथ में जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसने स्टेट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके साथ कोलैबोरेशन करके किया है, और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो उसमें इंप्लीमेंटेशन पार्टनर था। अब फाइंडिंग्स क्या, देखो बिगेस्ट इंक्रीज कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, इस 2014 में जो 308 टाइगर थे वो 526 हो गए, MP में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर थे। कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ द टाइगर ऑक्यूपाइड एरिया, जो टाइगर ऑक्यूपाइड हो रहे थे वो उसमें कंटिन्यूड लॉस हो रहा है, ठीक है। मेनली जो 20% टाइगर हॉबिटेट है लास्ट 4 साल में क्या है वो लॉस हो चुका है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ ऑफकोर्स, ठीक है। डिक्लाइन मेनली कहाँ कहाँ हुआ है देखा, देखने को मिला शिवालिक, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, जबकि जो सेंट्रल इंडिया और सुंदरबंस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नो टाइगर, कहीं कोई भी टाइगर रिकॉर्ड नहीं किया है कहाँ पे, बुक्सा वेस्ट बंगाल में, डांपा मिजोरम और पलामू झारखंड टाइगर रिजर्व में। अब क्या क्या
रिपोर्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं टाइगर को एस्टिमेट करने में। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, एम्स टाइप्स भी बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो इंडियन टाइगर रिजर्व्स के अक्रॉस हमने लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? NTCA, दैट इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया। कैट रेट क्या होता है? कैमरा ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल है। ये इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज या जियो टैग करने के लिए, फोटो कैप्चर करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कंपेयर फॉर टाइगर एंड हॉर्स पोर्टर फॉर लेपर्ड, इसमें हम क्या करना है, इंडिविजुअल हम टाइगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेपर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोग्राम। स्पेशल एक्सप्लिसिट कैप्चर ई कैप्चर मेथड, इसमें क्या करते हैं, हम मेनली पॉपुलेशन डेंसिटी को एज्यूम करते हैं फ्रॉम कैमरा ट्रैप सिस्टम, ठीक है। अब बाकी और मेथड्स भी देखो यूज़ करते हैं, साइटोक्रोम बी मार्कर, ठीक है, या पढ़ लेना, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये यूज़ किस लिए थे, कि अगर आपको पेपर में आ जाए कि हाँ ये साइटोक्रोम बी मार्कर किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इससे हम टाइगर डिटेक्शन टेक्निक है, ठीक है। मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल्स, ठीक है, ये भी इसमें ही होता है कि ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टॉर्स में होता है, ठीक है। मेनली हम इसको यूज़ करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द फोटोज टेकन विद इन द स्मॉल इंटेंसिव रिसर्च एरियाज टू मॉडल सुटेबल टाइगर हैबिटेट। अब इंडिया में क्या टाइगर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट ले रखा है? प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 1973 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ताकि हम वाइल्ड टाइगर्स हैं उन्हें कंजर्व कर सके उनके डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व में। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हम लेके आए, स्टैचुअरी बॉडी हमने एस्टैब्लिश किया 2006 में, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर हमने इसको डेवलप किया, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। इट ये क्या करती है, मेजर टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट करती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन प्लान। अब ग्लोबली क्या है, अभी तो हमने देख लिया कि इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर है, जैसे NTCA बॉडी है, ठीक है। ग्लोबली हमने क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट चल रहे हैं, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ये ग्लोबल एलियंस है हर कंट्री की, गवर्नमेंट की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, ठीक है, कंजर्वेशन है, साइंटिफिक कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर, इनमें सब शामिल होते हैं, जिनका एम यही किस तरह से जो हम वाइल्ड टाइगर्स हैं उन्हें बचा सकें एक्सटिंक्ट होने से। 2013 में हमने क्या किया था, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर हमने स्नो लेपर्ड्स को भी ऐड कर दिया था, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर्स मीट रशिया में हुई थी 2010 में, इसमें क्या है, जो भी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पे कंट्रीज़ में जिसमें टाइगर पाए जाते हैं, उन 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ इकट्ठी आई थी और उनका उन्होंने एम किया था कि 2022 तक हम क्या करेंगे, जो अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनको डबल करेंगे, ठीक है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में क्या है, इसमें भी है कि जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उन्हें एम्पावर करेंगे, जो भी उनकी देखेंगे कि यार क्या उनके जो टाइगर्स हैं उनको क्या थ्रेट है डोमेस्टिकली और एज वेल जो भी ट्रांसबाउंड्री नेचर में, उनको एड्रेस करेंगे और साथ में क्या उनको कुछ फाइनेंशियली हम सस्टेनेबल भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, ताकि क्या कर सकें वो, मतलब कंजर्व करने में या डेवलपमेंट करने में कामयाब रहें, ठीक है, थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव इन टू द डेवलपमेंट। ग्लोबल टाइगर फोरम ये सिर्फ इंटर गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडी ओनली, ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम इज द ओनली इंटरनेशनल गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो एस्टेब्लिश करी थी, जिसका मतलब यही था कि हम टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके और ग्लोबल कैंपेन, ठीक है। TX2 देखो इसका गोल यही था कि किस तरह से जो हम वाइल्ड टाइगर्स हैं उनके जो नंबर को डबल कर सके अक्रॉस देयर ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब कि अगर एरिया में 10 हैं तो हम क्या कर सके 20 कर सके। जो वर्ल्ड वाइड फंड है वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमारे 13 टाइगर यूज वर्ल्ड वाइड, हाँ जो फंड है वो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहा है 13 कंट्रीज़ में, ठीक है। कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स का देखो ये भी सेट ऑफ क्राइटेरिया विच अलाउ टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट लीव विल लेट टू बी अ सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये भी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है TX2 प्रोग्राम का, मतलब कि इसमें भी यही है कि किस तरह से हम जो टाइगर्स की पॉपुलेशन उसको डबल कर सके ज्योग्राफिकल एरिया में, तो उसी का एक पार्ट है, ठीक है। अब जरा कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, देखो रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथरा टाइगर या इंडियन टाइगर, ये टाइगर स्पीसीज नेटिव इंडिया की ही है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो बंगाल टाइगर के वो इंडिया में पाई जाती है, हाउएवर कुछ ग्रुप्स ऑफ टाइगर इसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में पाए जाते हैं, इवन कि कुछ चाइना और बुर्मा में पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया क्या है, होम ऑफ 80% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। जो बंगाल टाइगर का जो हैबिटेट है वो मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्शेस या टॉल ग्लासेस ही होती है। ये क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब है कि दैट इज इट इज एवरीथिंग कनेक्टेड टू द डैम। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN एंडेंजर्ड में आता है, आपको पता होना चाहिए एंडेंजर्ड है, बाकी शेड्यूल 1 है WPA में और साइट्स में भी अपेंडिंग्स 1 में है। थ्रेट क्या, आपको पता है हैबिटेट लॉस है, पोचिंग, वाइल्ड लाइफ क्राइम, ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इनके टाइगर के हैबिटेट को क्या है खतरा है। टाइगर कॉरिडोर्स क्या है, NTCA और साथ में जिसने कोलैबोरेशन करा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया, उसने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था टाइटल्ड कनेक्टिंग टाइगर पॉपुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, जिसने 32 मेजर कॉरिडोर्स, ठीक है, इंडिया में मैप किए थे, ठीक है। NTCA और साथ में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया है उसने 32 मेजर कॉरिडोर्स को क्या किया था, मैप किया था। टाइगर कॉरिडोर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, मेनली हैबिटेट एरिया है किसका, टाइगर का। इसमें क्या है, मेनली टाइगर्स
इजीली जो प्रे हैं उसके या फिर जो अदर वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। जो भी है मैनेजमेंट, इसके जो इंटरवेंशन होते हैं वो कौन किसके अंडर है मैनेज हो रहे हैं, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंट्री में, जो हमारे इंडिया में चार तरह से हमने कॉरिडोर्स को बांटा हुआ है। शिवालिक हिल्स कैंगेटिक प्लेन में 3 है, सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट्स में 11 है, वेस्टर्न घाट्स में 8 कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट में 10 कॉरिडोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमराबत टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अभी रिसेंटली क्या सेंट्रल ने ग्रांट दिया कि हाँ जो अमराबत टाइगर रिजर्व है जो तेलंगाना में है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यूरेनियम एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए अमराबत टाइगर रिजर्व है कहाँ, तेलंगाना में। ठीक है, तो सेंट्रल ने क्या अभी ग्रांट कर दिया कि हाँ आप वहाँ पे यूरेनियम को एक्सप्लोर कर सकते हो। अमराबत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये नल्लामला हिल में है, कहाँ से कहाँ है, महबूबा नगर और नालगोंदा डिस्ट्रिक्ट से स्ट्रेच होता है तेलंगाना के एरिया। कहाँ लाइज, उसके अराउंड कौन कौन सी रिवर है, नल्लावागु और दिंदी रिवर वहाँ पे मर्ज होती हैं, फॉर्म करती हैं एक मेजर ट्रिब्यूटरी और कैचमेंट, कृष्णा रिवर का कैचमेंट एरिया है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व एरिया है आफ्टर द नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। तो कई आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, ये अमरावत टाइगर रिजर्व है जो कि तेलंगाना में। 2017 में हमने क्या किया था, जो माउस डियर की जो कि एंडेंजर स्पीसीज थी हमने उन्हें इस अमरावत टाइगर रिजर्व में रीइंट्रोड्यूस किया था। जो अमरावत टाइगर रिजर्व में जो ट्राइब्स रहती हैं वो मेनली चिंचू ट्राइब रहती है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है। आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है इसका, इट कंटेन्स रुइंस ऑफ द एंशिएंट नागार्जुन विश्वविद्यालय रन बाय द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुन आचार्य। ठीक है, सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको पता होना चाहिए अमराबत टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। पक्के और पखाऊ टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, अभी क्या अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एक हाईवे बनाएगी ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें से क्या जो 40 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रोड का एरिया है वो कहाँ से होके जाएगा, वो भी कोर एरिया ऑफ पक्खू या पक्के टाइगर रिजर्व से होके जाएगा। अब जब पढ़ लेते हैं पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में, पक्के टाइगर रिजर्व इज बाउंडेड बाय भरेली और कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ। आपको पता होना चाहिए कि इसके आसपास कौन सी रिवर है, वो पूछ लेते हैं। कामेंग रिवर है, ठीक है, और पक्के रिवर कहाँ है इसके ईस्ट में, हैबिटेट जो इसका टाइप है वो लो लैंड सेमी एवरग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ईस्टर्न हिमालयन पोर्टलैंड फॉरेस्ट है। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, जो NH-44 आपको पता होना चाहिए इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाता है, कहाँ कहाँ से होकर जाता है, कुछ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, कान्हा जो कि MP में है, सतपुरा पेंच बहादुरनगर पन्ना टाइगर रिजर्व और साथ में 4 अदर प्रोटेक्टेड एरिया से होके गुजरता है। NH-6 है इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे, ये सूरत से कोलकाता रन करता है, जो कहाँ कहाँ से होके जाता है, मेघला बोर नागरजरा सिमलीपाड़ा टाइगर रिजर्व और साथ में कुछ अदर नेशनल पार्क और सेंचुरी से भी होके गुजरता है। आगे बढ़ते स्नो लेपर्ड, अभी क्या जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने रिलीज़ किया स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, और साथ में कहाँ पे 4th मीटिंग हुई थी किसकी, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम की। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम है क्या, ये इंटर गवर्नमेंट एलियंस है किसका, 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज का। इसका एम क्या है, इसमें एफर्ट्स हैं किसके, ये उन कंट्रीज़ को यूनाइट करती है, उनके अंडर की गवर्नमेंट को या फिर उनके जो NGOs हैं वहाँ के या जो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या लोकल कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर को, उनको इकट्ठा करती है, इसी पे काम करते हैं कि किस तरह से हम जो स्नो लेपर्ड उन्हें कंजर्व कर सकें। ठीक है, और उनका जो हाई माउंटेन इकोसिस्टम है उन्हें हम कंजर्व कर सकें। स्नो लेपर्ड कंट्रीज़ मेन कौन सी हैं, जैसे इंडिया है, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कुछ स्नो लेपर्ड कंट्रीज़ हैं। अब स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन इंडिया किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, GSLAP कमेटी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, साथ में वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल टाइगर फोरम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो इन्होंने ये मिलकर क्या किया, इसको रिलीज़ किया। अब नेशनल लेवल एस्टिमेशन प्रोसेस में हम टाइगर्स, रीनो, एलिफेंट के साथ क्या है, स्नो लेपर्ड को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें अभी हमने क्या किया, जो स्नो लेपर्ड का सिर्फ 2% ऑफ टोटल हैबिटेट को ही हम सैम्पल करने में भी सक्षम हुए हैं। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पर जो आपको पता है कि मेनली क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, वहाँ पर जो वो एनवायरमेंट होता है वो टफ होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ का डिफिकल्ट टेरेन की वजह से क्या, अभी सिर्फ 2% ऑफ जो उसी को ही हमने क्या किया, सैंपल किया गया है। स्नो लेपर्ड क्या है, ये देखो आपको पता होना चाहिए, वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN के साथ में अंडर Schedule 1 के अंडर है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, बाकी अपेंडिक्स 1 में है किसके, साइट्स में और कन्वेंशनल माइग्रेटरी स्पीसीज के भी। इंडिया में के जो स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप में 3000 मीटर से 5400 मीटर की एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। थ्रेट्स क्या, वही है यार, इलीगल किलिंग कर रहे हो आप, हैबिटेट उनका उजाड़ रहे हो, पोचिंग कर रहे हो, ठीक है, फॉर
हमारा बोन्स क्लोज या फिर ठीक है कोई भी या फिर कोई लोकल लोग वहाँ पे अटैक कर देते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट के लिए हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके प्रिजर्व कर सके स्नो लेपर्ड को। सिक्योर हिमालय हमने इसलिए चलाया ताकि हम जो कंजर्व कर सके वहाँ के हिमालय के इकोसिस्टम को, उसके लैंड को, उसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है, क्योंकि यार जब तक उनका हैबिटेट बचा रहेगा तो सिक्योर हिमालय हैबिटेट बचा रहेगा तो जो स्नो लेपर्ड है वो खुद भी बचा रहेगा, ठीक है। ये फंड किया जा रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड द्वारा और साथ में यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। चीता क्या कह रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया सेंटर को कि अफ्रीकन चीता जो कि नामीबिया से आप क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो इंडिया में किसी एक सुटेबल हैबिटेट में, ठीक है। प्लान को पहली बार 2009 में भी लेके गया था ताकि, क्योंकि जो इंडिया का जो चीता पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है, तो ईरान से बोला था कि यहाँ ईरान के पास एक एशियाटिक चीता था वहाँ से हम ला के अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन ईरान ने क्या किया था, शेयर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया था, ठीक है, जिस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अफ्रीकन चीता की तरफ देखना पड़ा। 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्सपर्ट पैनल बैठाया और उस पर बात करी किस तरह से हम चीता को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर करेंगे तो हम किस किस में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब क्या हैबिटेट, जो हमें तो उन्हीं के हिसाब से हैबिटेट देना पड़ेगा ना, ये तो नहीं ना कहीं पे दे दे। तो हैबिटेट रिकमेंड किया गया या तो एमपी के जो कुनोर पालपुर या फिर गुजरात के विलावर नेशनल पार्क, ठीक है, राजस्थान के ताल छप्पर सेंचुरी, इनमें ये जो तीन चार नेशनल पार्क्स हैं वो उनके हैबिटेट के लिए बढ़िया हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुनो पालपुर को सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड लोकेशन माना गया अगर अभी हमने चीता को इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द प्लेस प्रिपेयर बाय द एमपी टू हाउस एशियाटिक, यहाँ पे हम ऑलरेडी एशियाटिक लायंस को भी क्या कर रहे हैं, रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, 3 मेंबर कमेटी को बैठाया ताकि जो गाइड करेगा किसको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, ठीक है। फिर डिसीजन लिया गया किस तरह से जो हम अफ्रीकन चीता है उसको रीलोकेट करेंगे, विल बी टेकन आफ्टर, मतलब किस तरह से हम उसको रीलोकेट करेंगे, कब करेंगे, पहले एक प्रॉपर सर्वे होएगा, ठीक है, एंड एक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल विल बी लेफ्ट टू द एनटीसीएस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब चीता क्या है, देखो चीता एक कीस्टोन स्पीसीज है किसका, ड्राई फॉरेस्ट स्क्रब फॉरेस्ट सवाना का। कीस्टोन स्पीसीज क्या होते हैं, जिनका हाई इंपैक्ट होता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन, इट हैज़ द डिसप्रोपोर्शनल लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट रिलेटिव टू इट्स एम्बियंट। देखो एशिया जो चीता था इंडिया में उसको डिक्लेयर कर दिया था ऑफिशियल एक्सटिंक्ट कब, 1952 में। ये ओल्डेस्ट और बिग कैट स्पीसीज में आता है जिसके एंसेस्टर्स दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 5 मिलियन ईयर्स टू द मैकोन म्यूसिन इरा, ठीक है। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट और लैंड मैमल है। प्रॉब्लम्स क्या थे इसमें, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट थे, उनका हैबिटेट, उनका प्रे लॉस हो गया था, इलीगल ट्रैफिकिंग, ये थे इन वजह से क्या ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। IUCN में भी क्या स्टेटस है, देखो अफ्रीकन चीता, देखो गाइस आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन और एशियाटिक चीता दोनों का अलग अलग स्टेटस है। अफ्रीकन चीतों का वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, एशियाटिक चीता क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है, ये अभी सिर्फ ईरान में ही सर्वाइव हो रहा है। अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में क्या डिफरेंस जरा देख लेते हैं। एशियाटिक चीता ज़्यादा स्ट्रॉगर है और फास्टर है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन चीता, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अफ्रीकन चीता फास्टेस्ट है, ठीक है। एशियाटिक चीता अभी सिर्फ 50 से 70 ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, जबकि अफ्रीकन चीता इज़ फाउंड इन वाइल्ड इन अफ्रीका, ठीक है, और अफ्रीकन चीता मेनली अफ्रीका में पाए जाते हैं। सो गाइस अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम ग्रेट वन होर्न रीनो से स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।